स्मृति जी बताइएगा कि ये जो आपने ड्रोन की आप फाउंडर हैं जो बनाया है, तो ड्रोन के बारे में बताइए कहाँ आपकी कंपनी आपकी है, कैसे आप इससे जुड़े, इसके बारे में। हाँ, तो मेरी कंपनी का नाम डिफाई एरोस्पेस है और उसमें हम एक लॉजिस्टिक्स ड्रोन बना रहे हैं फॉर हेल्थ केयर एंड FMCG और डिफेंस। तो हमारा जो ड्रोन है अभी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, हम डिज़ाइन पैटर्न के लिए भी जा रहे हैं और वो 100 किलोमीटर तक का उसका रेंज है और वो 10 किलोग्राम्स का पेलोड उठा सकता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन की बहुत आवश्यकता है। हाँ, किस तरह की प्लानिंग आपकी है अगर हम महाराष्ट्र को देखकर बात करें? हाँ, तो महाराष्ट्र में हमको बेसिकली हमने 4 प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज़ किया हुआ है, विच इज़ ब्लड एंड प्लाज्मा का जो कमी है इन रूरल एंड ट्राइबल रीजन, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद मटर्नल मोर्टैलिटी के लिए जो इमरजेंसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं। उसके बाद स्नेक बाइट और डॉग बाइट, तो स्नेक बाइट के लिए आपको एंटीवेनम चाहिए होता है और डॉग बाइट के लिए आपको इम्यूनोग्लोबिन्स चाहिए होता है। ये 4 रीजन्स के लिए कोल्ड चेन सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा जो ड्रोन है उसमें हम पर्टिकुलर पेलोड बे बना रहे हैं स्पेसिफिक, जिसके लिए हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए हमें कोल्ड चेन सप्लाई में सपोर्ट कर सकते हैं। सो हमको उनका लॉजिस्टिक्स फैसिलिटेटर बनना है जहाँ से हम उनकी कोल्ड चेन सप्लाई, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, इम्यूनोग्लोबिन, एंटीवेनम्स, ब्लड एंड प्लाज्मा, ये सब चीज़ें हम अर्बन रीजन से रूरल एंड ट्राइबल रीजन तक लेके जा सकें। एंड इसीलिए हमारे ड्रोन का जो रेंज है वो 100 किलोमीटर तक का है। तो महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो हम मुंबई से स्टार्ट करने वाले हैं और सराउंडिंग विलेजेस में पहले हमारा टेस्ट पायलट होगा और फेज़ वाइज वैसे वैसे एज़ पर हमारा जिस तरीके से सक्सेस होगा उसके हिसाब से हम और स्टेट्स में भी घुसेंगे, जैसे गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सब जगह जाने का हमारा प्लान है। तो कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक आपकी कंपनी? हाँ जी, तो हमारी कंपनी अभी हम वर्चुअल प्रोटोटाइप यहाँ पे हम डसो सिस्टम के साथ में वही दिखा रहे हैं ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, और हमारा वर्चुअल प्रोटोटाइप रेडी हो चुका है। नाउ अब हम जा रहे हैं फिजिकल प्रोटोटाइप के लिए। टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन हमें एंड ऑफ द ईयर तक दिखाना है, दैट इज़ आर एम। अगर हम सरकार की बात करें, महाराष्ट्र सरकार की बात करें, किस तरह का सहयोग आप उनसे चाहते हैं? हम उनसे प्राइमरीली हम उनसे ग्रांट्स चाहेंगे, उनसे मोर रोबस्ट पॉलिसी मेकिंग चाहेंगे और मोर टेस्टिंग एरियाज, मतलब मोर ग्रीन जोन्स, मोर कॉरिडोर्स जहाँ पे हम फंक्शन कर सकते हैं वहाँ। अगर हम सरकार की बात करें, महाराष्ट्र सरकार की बात करें, किस तरह का सहयोग आप उनसे चाहते हैं? हम उनसे प्राइमरीली हम उनसे ग्रांट्स चाहेंगे, उनसे मोर रोबस्ट पॉलिसी मेकिंग चाहेंगे और मोर टेस्टिंग एरियाज, मतलब मोर ग्रीन जोन्स, मोर कॉरिडोर्स जहाँ पे हम फंक्शन कर सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू।